ब्लॉकबस्टर फिल्म फूल और कांटे से इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले अजय देवगन ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी ये फिल्म 22 नवंबर 1991 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को उस जमाने में करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। पहली ही फिल्म के सुपरहिट होने के बाद अजय को धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर मिलना शुरू हो गए। वैसे डेब्यू फिल्म के बाद ही उन्होंने कुछ फ्लॉप फिल्में भी साथ रिलीज की थी और वैसे तो उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम देख रहे हैं, लेकिन 30 सालों के करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फिल्मों में काम करते करते उनके अफेयर्स के किस्से भी कम नहीं रहे। रवीना टंडन से लेकर करिश्मा कपूर तक उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने शादी काजोल से की। काजोल और अजय देवगन की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। उनके 2 बच्चे हैं, निशा और युग। दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और शादी होने के बाद काजोल ने फिल्में करनी कम कर दी। वो अपने बच्चों पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करती हैं। काजोल ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी से जुड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता सोमू मुखर्जी उनकी शादी के खिलाफ थे। इसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसकी वजह थी उनकी उम्र। दरअसल उनके पापा नहीं चाहते थे कि काजोल 24 साल की उम्र में शादी करे। हालांकि उनकी माँ तनुजा ने उनका पूरा साथ दिया था। माँ ने उनसे कहा था कि उन्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इसके बाद क्या था, काजोल भी अपनी शादी के फैसले पर अटल रही और 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन से उन्होंने शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि एक वक्त काजोल और अजय देवगन दोनों ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों दोस्तों की तरह वक्त साथ बिताते थे। उस दौरान काजोल अजय से अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर एडवाइस लिया करती थी और बाबा जी की तरह अजय उन्हें टिप्स भी दिया करते थे। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सभी की रिपोर्ट।